अंतरा में जब हम बात करते हैं तो मैनिफेस्टेशन आ गया, लॉ ऑफ यूनिवर्स आ गया। अब हम कहते ये कह रहे हैं इसके अंदर, आप अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैनिफेस्टिंग एनीथिंग यूजिंग द सिंबल ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिए, ये एक सिंबल है ऑफ मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग। तो आप इसके एक-एक शब्द पर ध्यान दीजिए, मैनिफेस्टिंग जो हम बात कर चुके, एनीथिंग कुछ भी, बिकॉज संसार में जब कुछ उत्पन्न हुआ उसके बाद कुछ नहीं है, उससे पहले कुछ नहीं था। एनीथिंग का मतलब यही होता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग यूजिंग द सिंबल, दिस इज अ सिंबॉलिक, ये एक सिंबल है, ये एक यंत्र है, ये एक टेम्पलेट है ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इससे अलग है। अब इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्चेस बहुत हो चुकी, ये तो आज हम लोग आपस में बात कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन क्या हमारे पहले, क्योंकि ये जब आप अच्छा समझ लीजिए, ये जो सिंबल है ना, ये किसी ऋषि ने नहीं बनाया, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, ये ज्ञान है जो अपने आप उत्पन्न हुआ है, ऐसे नहीं कि किसी के सामने जमीन के अंदर से उत्पन्न हुआ, नहीं। जब सेजेस मेडिटेशन करते हैं, उनको जो देवी देवता आके उनको, चलो देवी देवता छोड़िए, उनके कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस माइंड से जो उत्पन्न होता है, ये वहां से उत्पन्न हुआ है। आपको पहले से ही ये पता होगा कि हमारी जो पहले सभ्यता थी वो श्रुति और स्मृति की सभ्यता थी, है ना। जो ऋषि थे वो क्या करते थे, वचन, अपने वचनों से बोलते थे, और जो स्टूडेंट्स होते थे वो सुनते थे, सुनकर स्मृति में ध्यान रखते थे, याद रखते थे, फिर वो आगे फिर से वो श्रुति और स्मृति में आता था, कि वो वाचन करते थे, फिर श्रुति और फिर स्मृति, यही टेक्निक थी। तो वो जो श्रुति करते थे, जो सुनते थे, कहाँ जाता था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। इट इज अ साइन विच हैज इमर्ज इमर्ज फ्रॉम द इनर लेवल्स, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनीवन। तो सबसे पहले आज तक हमारे जो वर्ल्ड में कोई भी चीजें आई है, तो हमने हर चीज को देखा है, वो चीज उत्पन्न कहाँ से हुई, है ना, वो चीज उत्पन्न कहाँ से हुई। तो इसका भी श्री यंत्र के बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई कि उसके वो उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो यही आया कि वो उत्पन्न नहीं हुआ, वो प्रकट हुआ है, राइट। अब हम इसको समझेंगे एनर्जी के फॉर्म में, ये तो हमने कह दिया। देखिए स्पिरिचुअल बातें ना, जो हमने प्रमाणित नहीं कर रखी होती, वो हम कहते हैं कि बड़ी फिक्टिशियस है, राइट, कहानियां बनाई हुई हैं, हम उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम उसको अलग अलग पहलुओं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि श्री यंत्रा पे बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है, रिसर्चेस आपके हर देश के साइंटिस्ट कर चुके हैं, उसकी एनर्जी देखकर कर चुके हैं। अब हम अल्बर्ट आइंस्टीन पे आते हैं, ही सेज एवरीथिंग इज एनर्जी विच वी ऑल्सो नो। अगर आज हम एक हम जो हमारी बॉडी है एटम से बनी है, ये मालूम है, साइंट ये रिसर्च हो चुका। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया, जो एटम्स है ना उनको भी एक साथ कोलाइड करके, ये राजस्थान में पोखरण में हुआ था, बहुत बड़ा ये हुआ था रिसर्च, एटम्स को एक साथ कोलाइड किया तो सबसे छोटा जो पार्टिकल ऑफ एटम आया, दैट इज क्वार्क। अगर किसी को मालूम हो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एटम इज द क्वार्क। और उस क्वार्क को भी जब उन्होंने डिसॉल्व करने, मतलब देखा कि व्हाट इज दैट, वो मैटर है क्या, राइट, तो उसके अंदर से निकला साउंड, एनर्जी। क्वार्क इज नथिंग देन एनर्जी एंड साउंड। तो हमारा जो पूरा अस्तित्व है, जो आज हमें पूरे फिजिकल वे में दिखता है, मैटर जो दिखता है, पंच तत्वों में जो दिखता है, व्हाट इज दैट, अगर हम उसकी पूरी डिविजन कर दें तो दैट इज ओनली द एनर्जी, द साउंड एंड द वाइब्रेशन। ओके, एवरीथिंग आज हमारे जो आपके सामने सब दिख रहा है ना, बट व्हाट वी आर द कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रेविटी। ओके, जो एक ब्रह्मांडीय सच है, ट्रुथ है, बहुत बड़ा, वी आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स विच हैव डिफरेंट ग्रेविटीज, विच हैव डिफरेंट टेम्परेचर। जब किसी भी टेम्परेट को ऐसी डिफरेंट ग्रेविटी और टेम्परेचर मिलता है, वो अपना आकार ले लेते हैं। अगर आज हम ह्यूमन बीइंग्स की, जो हमारी सीड होता है, हर सीड में एक ग्रेविटी होती है, राइट, वो जो ग्रेविटी
आप देखिए सीड, अगर पौधों के बहुत सारे सीड्स एक साथ रख दो, आपको पता चलेगा कौन सा गुलाब का है, कौन सा गेंदे का है, आपको पता चलेगा। लेकिन वो सीड जानता है उसके अंदर कितनी ग्रेविटी है, वो अपना काम उसी हिसाब से करेगा। और जब वो फलेगा फूलेगा तो गुलाब अलग आएगा, गेंदा अलग आएगा, सब एक दूसरे से अलग होंगे। क्यों अलग है, आपने कभी सोचा है क्यों अलग है? और यही काम आता है श्री यंत्रा। श्री यंत्रा ही वो एक टेम्पलेट है जिसने ये सारी चीजें क्वांटिफाई किया है। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर टू इट। पूरी पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट। आप जो चाहते हैं ना उसकी एनर्जी क्या होती है? एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होती है। आज आप एक बात बताइए, आज आप यहाँ बैठे हैं, आपने रेडियो को ट्यून कर दिया 98.1 पे, आपके पास रेडियो मिर्ची आ गई। आप उस कोई भी सॉन्ग सुनिए, क्या आपने कोई वायर्स लगाई है? यू आर ओनली टैपिंग इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एनर्जी। ये तो हम सब ने कर रखा है ना, वो सब पे छोड़िए, आप सबके पास एक मोबाइल है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक वाईफाई राउटर के जरिए आपसे कनेक्शन है, आप सब साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए हुए हैं, मैं आपके सामने प्रकट हुई हूँ। हम वी आर टैपिंग इनटू द एनर्जी, वी आर टैपिंग इनटू सर्टेन एनर्जी। आपने चाहा कि आप आज ये क्लास कर लें क्योंकि आपके पास ये टेक्निक थी कि आप इस क्लास के लिए लिंक को क्लिक करें और हम एक दूसरे के सामने आ जाए, तो हमने वो कर लिया। लेकिन उन सब चीजों की टेक्नोलॉजी कहाँ गई जो हम चाहते और हमें नहीं मिल पा रही है? उनके लिंक कहाँ है? कहाँ है वो मेरे अबंडेंस के लिंक जो पूरे ब्रह्मांड में आज इधर उधर तैर रहे हैं और वो मेरे पास नहीं आ रहे? वेयर इज द लिंक टू दैट अबंडेंस एंड वेयर इज द लिंक टू दैट वंडरफुल हेल्थ? वेयर इज द लिंक फॉर ऑल माई हैप्पीनेस? यस, यू आर फाइंडिंग द लिंक्स टू ऑल दीज थिंग्स।